हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। देखो, ये सवाल सभी एस्पायरेंट्स के दिमाग में आता है कि स्पीड स्पीड, मतलब जैसे देखते हैं जो तैयारी करना स्टार्ट कर देता है कि सर स्पीड नहीं आती है, स्पीड नहीं आती है, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब स्टार्ट करते हैं बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन लोग ये सोच रहे होते हैं कि पहले सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद हम मॉक लगाएंगे। सिलेबस कवर कर लें, क्योंकि सिलेबस ही कवर नहीं हुआ तो मॉक कैसे लगाएं, सारे टॉपिक कवर नहीं हुए तो मॉक कैसे लगाएं। जबकि ये धारणा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी गलत है। मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे सपोज करो आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो आफ्टर वन वीक, 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो आपने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन, या आप सही दिशा में सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, या आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आप तभी ज्यादा ध्यान में दे सकते हो जब आप उन कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हैं। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ मॉक दीजिए। हो सकता है शुरुआत में मॉक में आपके 10 नंबर आए, फिर आप जैसे जैसे टॉपिक कवर जाएंगे 15 आएंगे, 16 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात दो है स्पीड के लिए। क्या होता है, किसी भी टॉपिक में मास्टर बनना, मतलब आपको क्लैरिटी एक तो होती है, डेप्थ, एक्यूरेसी में आप जितना फोकस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो किसी भी सेंटेंस को जो आप पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो एक बार में समझ में आ जाता है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, पहली चीज। दूसरा, मॉक के थ्रू जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक समझ में आती है, इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उन मिस्टेक को दूर करते हैं, तो अगले मॉक में हमारे जो इंप्रूवमेंट होता है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक टॉपिक को इस तरह से पढ़िए कि अगर वो पढ़ाना पड़ जाए आपको तो आप हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा मॉक जरूर लगाइए और मॉक लगाने से आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो आपकी डेफिनेटली होगी। आप एनालिसिस करोगे, समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो इस तरह से पढ़िए कि इस टॉपिक में मैं कमांड बनाना चाहता हूं। इससे सवाल चाहे प्रीलिम्स में पूछा जाए, मेंस में, ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए विद रीजन कि यार किस तरह से सॉल्व हुआ, कंसेप्ट क्या है। ट्रिक तो है लेकिन साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए, कंसेप्ट भी आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात, साथ साथ मॉक जरूर दें। ठीक है, एंड तीसरी बात, एक और बात ऐड कर सकते हैं, वो कौन सी बात है, वो बात ये है, तीसरी बात आप क्या ऐड करेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कलेक्ट कीजिए और उनको सॉल्व करिए। जैसे सपोज आपने सोलॉजी में पढ़ा तो सोलॉजी में कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिए डिफरेंट सोर्सेज से और उन क्वेश्चंस को लगाइए, तो आपको पता लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी बनी है नहीं बनी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, और एक नेक्स्ट लेवल आपके अंदर आएगा, एक नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों पे आप ध्यान रखिए, फोकस करिए, डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।